क्या खींच लाया आपको? एक तो ना पहले मैं कभी यहाँ पे आई नहीं हूँ, मैंने सुना है इस पंडाल के बारे में, और ये 89 इयर्स ओल्ड है और एक फेस्टिवल सीज़न है, कभी ऐसा होता है बहुत बार टाइम नहीं मिलता आपको कहीं आने के लिए या ये कोई मोमेंट करने के लिए. सो आई थिंक इसी वजह से मैं आई. एंड मुझे गीतिका ने जो मतलब यू नो माय मैनेजर हियर शी टोल्ड मी कि ये 89 इयर्स ओल्ड है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है इस जगह में यू नो एंड इसलिए मतलब जी आपने भी बताया जी कि गलत हुआ, एक्चुअल में हुआ. सी लीगल एक्शन मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती और ऐसा मेरा कोई असल में कोई इंटेंशन नहीं था. लेकिन एक चीज़ जो गलत हुई जब मुझसे पूछा गया और क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कोई और कहानी जाके मीडिया को सुनाई थी, 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे आगे आकर अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा उस समय. एंड आई थिंक अभी क्योंकि ये मूवमेंट शुरू हुआ है तो फिर से वो बात उठ गई थी, तो इसलिए मैंने फिर से एक्सप्लेन किया. लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट केसेस हुए हैं लोगों के, यू नो मुझसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं यू नो गर्ल्स को. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से, और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए सबके साथ, लेकिन व्हाट आई एम स्टार्टिंग टू फील ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग इज दैट आई थिंक हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत ही ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से इस मूवमेंट को हैंडल करना पड़ेगा. क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है जब आप कंसेंट की बात करते हैं या आप सबमिशन की बात करते हैं, तो कहाँ वो फोर्सफुल था, कहाँ वो नहीं था, कहाँ वो अपने आप एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग थी, यू नो वट एवर इट इज़. आई थिंक हमको एक बहुत ऑनेस्टली उस चीज़ को देखना पड़ेगा एंड इसको हम किसी तरह से अब्यूज़ ना करें. आई जस्ट होप एंड दैट्स हाउ आई थिंक द मूवमेंट विल रिमेन अलाइव, यू नो. यू नो आई एम सो हैप्पी वो करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू बी राइट. एक मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी कि ऐसे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में जहाँ पे सच का साथ दिया जा रहा है या सही का साथ दिया जा रहा है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. या समवन डिडंट टेक अ स्टैंड फॉर यू, सो ये चीज़ें अब ठीक हो रही हैं आपको, इसके वजह पर आप कैसे बोलेंगे? यू नो आई डोंट वांट टू ब्लेम नवाज एंटायरली. मैं उसको मतलब मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना समटाइम्स उनको शायद पता नहीं था कि शायद मुझे कितना बुरा लगा या कितना ख़राब लगा. हो सकता है उनके अपने कोई रीजंस हों. सो आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट हिम, बट आई वॉज ओनली सेइंग जब मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया तो मैंने सिर्फ उन्होंने मुझे पूछा और कौन था सेट पे, तो आई सेड नवाज भी थे एंड बाकी सब बहुत लोग थे. सो दे सेड उन्होंने कुछ कहा, आई सेड सी ही डिडंट से मच एट दैट पॉइंट. That's all. I'm not blaming him. You know, I mean, वो उनका अपना decision है. But all I'm saying right now is that, जैसे आमिर खान and अक्षय and a lot of other people are coming. I think it's very important. जब important लोग and powerful लोग they take a stand, तो वो एक तरह से example बनता है for society. So that's a very good thing. Yeah. I honestly मुझको ऐसा लगता है कि already बहुत लोग support कर रहे हैं. हर चेंज को और सपोर्ट को थोड़ा टाइम लगता है गैदर होने में. सो आई मीन आई डोंट थिंक वी शुड फोर्स पीपल टू जॉइन इट, दे शुड वांट टू जॉइन इट. ऐसा नहीं है कि शेमिंग होनी चाहिए कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो मूवमेंट, उनके अपने रीजंस होने चाहिए. ओनली देन विल दे इफ दे जेन्युइनली फील फॉर द चेंज या मूवमेंट या मी टू के लिए, तब वो आके ज्वाइन करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग. दे शुड हैव अ रीज़न टू जॉइन इट. अभी तक शायद उनको नहीं रीजंस मिले हैं या अभी तक वो कन्विंस नहीं हुए, विच इज़ ओके एंड आई डोंट वांट टू जज पीपल एट ऑल, यू नो आई थिंक दैट्स फाइन. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने क्यों नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी एट ऑल. हम कंक्लूड ही करें, पढ़ो ना, क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए. आप अच्छा कर लोगे क्लाइमेक्स जी. फिल्म में एक हफ्ता भी नहीं रह गया आपके. आई नो थोड़ी टेंशन हो रही है अभी. हो रहा है जी. And excitement also. Excitement also. I'm really hoping, क्योंकि एक अलग तरह की फिल्म है और you know it's not a regular story. ऐसा नहीं कि regular love story है, काफ़ी edgy है, thriller है, stock market के बारे में है. So I hope the young people like it and you know people go and watch the film. और आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं promotions के लिए इसके. जी वो producers हम कहते हैं तो हम करते हैं. And I feel as a producer also, like क्योंकि मैंने एक फिल्म produce करी है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत जाती है एंड वो जितना आपसे करवाते हैं, आई थिंक वो ज़रूरी है टू गो एंड प्रमोट द फिल्म, सो इट्स इम्पॉर्टेंट. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें.